सर, जाते जाते एक विश्लेषण, कल ब्रजभूषण शरण सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ, न भारत टाइम्स नाउ नविका कुमार की रिपोर्टर थी, और चूंकि महिला होने के बहुत लोग बहुत फायदे उठाते हैं, और कल ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था महिला पत्रकार, ब्रजभूषण शरण सिंह और महिला पत्रकार। आपको क्या लगता है कि सचमुच उसमें हम लोग ब्रजभूषण सिंह शरण सिंह के उस पहला पहलवानों के साथ जो कुछ भी है हाई कोर्ट में, जो जो लोअर कोर्ट में चार्जशीट है उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह के व्यवहार पे उस पर भी कोई चर्चा, लेकिन जो एक पत्रकार, महिला पत्रकार ने उनके साथ, ब्रजभूषण के साथ किया और उसके बाद जो ट्रेंड हुआ, क्या मीडिया का महिला पत्रकारों का यही व्यवहार होना चाहिए? यदि आपके साथ या दूसरों के साथ कोई ऐसे करेगा तो रिएक्शन क्या होगा? मनीष जी, मैं पहले भी कह चुका हूं कि देखिए, जो ब्रजभूषण सिंह का जो व्यवहार था कल, वो बड़ा दुखद था। और वो इसलिए नहीं कि ब्रजभूषण सिंह ने उस लड़की के साथ किया, ये वो दुखद मुझको इसलिए लगा कि पत्रकारिता का स्तर कितना गिर गया और सम्मान तो खत्म हो गया है। मैंने कहा था मनीष जी, जब मैंने शुरू किया था, मैं एक तरह से समझिए स्टूडेंट था इस फील्ड में, तो मैंने अपने दौर के उन सीनियर्स को देखा है कि जिनको देखकर मुख्यमंत्री तक बड़े सम्मान से प्रणाम करते थे और बड़े अदब से बात करते थे। जिस तरह से कल ब्रजभूषण सिंह ने उस लड़की के साथ, वो महिला पत्रकार के साथ व्यवहार किया है, उसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। उस दौर में सोच भी नहीं सकता था कि पत्रकारों की यह हैसियत हो जाएगी। तो इसका जिम्मेदार ये खुद, आप बताता हूँ क्यों मनीष जी। मैं वो क्लिप मैंने देखी, दो तीन बार देखी, यूट्यूब पे देखी, कि वो जो महोदया थी, वो लेके माइक ब्रजभूषण सिंह के मुंह में घुसेड़े दे रही थी। और सवाल उनका यह था कि क्या आप इस्तीफा देंगे, चार्जशीट दाखिल हो गई है, क्या आप इस्तीफा देंगे। और उसके मुंह में घुसड़ते घुसड़ते घुसड़ते, जब तक ब्रजभूषण सिंह कार के अंदर बैठे बैठे, तब तक मुंह में घुसड़ने का पूरा प्रयास किया। और उसके बाद वो दरवाजे में भी हाथ घुसड़ के उसके मुंह में ब्रजभूषण सिंह तक पहुंचाने की कोशिश। और ब्रजभूषण सिंह ने जब झटके से कार अपना दरवाजा बंद किया कार का, तो माइक पे क्लापा लगा, खो गई। माइक, हाँ, तो माइक जो है वो गिर पड़ा। और उस वो माइक के गिरते ही पत्रकारिता का अपमान हो गया और दुनिया का सब हो गया। अब जरा मैं बताता हूं मनीष जी, कि कतई अपमान नहीं हुआ पत्रकारिता का। ये जो मैंने अभी जिक्र किया कि एक दौर वो था मैंने, जो मैंने खुद देखा, और एक दौर ये जो मैंने कल देखा, तो इसके पूरी तरह से जिम्मेदार यही लोग हैं। उसकी वजह बताता हूं मनीष जी, कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई, तो मुंह में माइक घुसेड़े दे रहे हो कि इस्तीफा कब दोगे। अरे, चार्जशीट तो दाखिल तेजस्वी यादव खिलाफ भी हुई है। कितने लोगों ने मुंह घुसे, कितने कितने पत्रकार, कितने न्यूज चैनलों के रिपोर्टरों ने तेजस्वी यादव के मुंह में माइक घुसड़ के ये सवाल पूछा कि इस्तीफा कब दोगे। ये सोनिया गांधी पिछले 7 साल से, बल्कि अब तो अमेरिका से 9-10 साल हो गए, है नेशनल हेराल्ड केस में नामजद है। कितने लोगों ने माइक मुंह में घुसड़ के पूछा कि इस्तीफा कब दोगी संसद, अपनी संसद की सदस्यता से। राहुल गांधी अब तो निकाल दिया गया, लेकिन इससे पहले इन्हीं न्यूज चैनलों ने, इसी टाइम्स नाउ नव भारत ने, इसी आज तक ने, इसी इंडिया टीवी ने, जितने चैनल हैं, कितनों ने उसके मुंह में माइक घुसेड़ के पूछा था कि नेशनल हेराल्ड में नामजद हो, जमानत पे बाहर हो, उसके मुंह में माइक घुसेड़ के कब पूछा कि तुम इस्तीफा कब दोगे। तो क्योंकि ब्रजभूषण सिंह थोड़ा सस्ता तुमको लगा, तुमको वो माल मिल रहा है वो पहलवान लॉबी के गॉडफादरों से, तो उसके उसका जीना हराम करोगे। तो ब्रजभूषण सिंह कोई इस देश का राष्ट्रपति नहीं है, ब्रजभूषण सिंह एक सांसद है। तो मैंने कहा कि जब ये ब्रजभूषण सिंह से पूछ रहे हो कि इस्तीफा कब दोगे, तो तेजस्वी यादव के माइक में, मुंह में माइक कब घुसेड़ोगे। जब इस तरह का जब दोगलापन करते हो, इस तरह की बेईमानी करते हो, इस तरह की जब दलाल पत्रकारिता करते हो, तब तुमको ब्रजभूषण सिंह ऐसे लोगों से अपमानित होना पड़ता है। और हो गए जब, क्योंकि वो उनको मालूम कि हमारे सामने कोई पत्रकार नहीं खड़ा, हमारे सामने कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित दलाल खड़ा है, किसी पार्टी का, किसी का एजेंट बन के खड़ा है। और जब जब पत्रकार में एजेंट नजर आने लगता है, दलाल नजर आने लगता है, तो उसको फिर इसी तरह से अपमानित किया जाता है। अगर वास्तव में पत्रकार हो, तो जैसे ब्रजभूषण सिंह से पूछा था सवाल, वैसे ही जरा तेजस्वी यादव के घुसेड़ो मुंह में माइक। वो तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है बिहार ऐसे स्टेट का, उसके खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल हो गई है। कितने लोगों ने मनीष जी सवाल पूछा कि इस्तीफा कब दोगे। तो तेजस्वी यादव से सवाल नहीं पूछोगे, सोनिया गांधी जो जमानत पे बाहर है उससे सवाल नहीं पूछोगे कि संसद, अपनी संसद सदस्यता कब छोड़ोगी, लेकिन ब्रजभूषण सिंह से सवाल पूछोगे। तो क्योंकि बिल्कुल ब्रजभूषण क्योंकि ब्रजभूषण सिंह के लिए माल मिल रहा है, क्योंकि ब्रजभूषण सिंह के लिए माल मिल रहा है, वो आदमी माल दे रहा है जो पिछले 6 महीने से ये पहलवान गैंग को पूरा तरह से स्पॉन्सर कर रहा था। तो ये जब इस तरह की दलाली होगी पत्रकारिता के नाम पे, तो इसी तरह का हश्र होगा।
और जो वास्तव में पत्रकार है उनको ये देख के दुख होगा कि ये हो क्या रहा है। बिल्कुल सर, एक व्यक्ति को थप्पड़ मारा था कांशीराम ने, तो आज तक उस थप्पड़ की गूंज है। मतलब उस समय लगा ये क्या हो गया, क्योंकि ये सम्मान था पत्रकारों का, टीवी नया नया बस आ ही रहा था उस समय में, और आज ये सामान्य घटना हो गई कि उन्हें लगता है कि कोई इज्जत, क्योंकि ऐसा हमेशा होता है कि टेलीविजन चैनल में संपादक इस मामले में कोई बच्ची को भेजो, कोई लड़की को भेज दो, ताकि कोई इस तरह से कर नहीं पाएगा। और महिलाओं से टेलीविजन चैनल में उदंडता कराने का सर्टिफिकेट इन संपादकों ने दे दिया है। आप अक्सर देखेंगे पुरुष पत्रकार ऐसे नहीं करते, महिला पत्रकारों से ऐसी उदंडता करने का एक तरह से उन्हें ट्रेनिंग की जाती है, और उन महिलाओं को लगता है कि हम रातों रात छा जाएंगे, रातों रात छा जाएंगे, बस यही एजेंडा है और यही चल रहा है। आपने बहुत सटीक तरीके से इस बात को रखी है कि ये चिरकुट लालू यादव से कब पूछेंगे, ये तेजस्वी यादव 4 सीटेड हो चुका हुआ है, कब पूछेंगे, और वो तमाम चीजें तो सामने आ चुकी हुई है, इसीलिए समझ में आता है कि आपका सम्मान क्यों नहीं हो पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय।